तीन चार दिन नेटिंग चला गया, तो मैंने कही डॉक्टर साहब ये नेटिंग करा के बच्चे ऐसे ही करते हैं, फिर कोई बात नहीं मैं आगे लेके, फिर 12 बजे 1 बजे करीब बच्ची ने इतनी जोर से उल्टी करी कि इतने मोटे मोटे टुकड़े निकले। मैंने कही डॉक्टर साहब जल्दी, उन्होंने आला लगा के कुछ भी नहीं है ले जाओ, ऐसे ही तुमने दूध पिला दिया हुआ जो ऐसे हो गया। फिर कोई बात नहीं, मैंने जाकर सुनाई है 3 बजे लड़की पर, देखा था कुछ भी नहीं, देखे आके फिर दूसरी हमारे संग वाली लेके आई, तो डॉक्टर ने वो उससे नलची लगाई। अब कहती है कि हम मैं थी नहीं वहाँ पे, डॉक्टर सो रहे थे, बोलो डॉक्टर सो रहे थे, वो तो सो ही रहे थे डॉक्टर साहब, जगह आके रह गए। बेटी की बेटी है नवासी, नवासी थी, उसके अलावा कितनी जानकारी आपको? गार्ड ने क्या मैं मेरे बच्चों को नहीं आने दिया, इसके अलावा चार डेड और चार जने गार्ड खड़े थे, इसके अलावा भी कोई डेथ हुई? हां डेथ हुई है, तो ये थाने की रिपोर्ट दी गई है हमारे द्वारा, तीन हो गए। आपके बच्चे का नाम बताओ जो बट्टी है, आ जा पर आप यहीं थे क्या? हां मेरी भांजी है सारी, जो बट्टी है कितने बच्चों की मौत हुई आपकी? हां चार बच्चों की मौत हुई, कैसे भी चारों बच्चों की मौत? डॉक्टर लापरवाही की वजह से बच्चों की लगन भगा लिया जाता है, गार्डों की भी है, डॉक्टरों की और गार्डों की बहुत लापरवाही है, गार्ड में गार्ड अंदर जाने देते नहीं किसी को, सारे ध्यान नहीं देते कि चारों बच्चों की, और गार्ड ने 3 बच्चों को तो भगा चुके हैं, पर हम लोग सक्षम थे, हम लोगों ने मीडिया बुलाई, थाने में रिपोर्ट दी, जब जाकर थोड़ा पर्चा था अलर्ट हुआ, डॉक्टर गुलाटी जी को हमने कम से 50 फोन करे पर नहीं आए, विधायक जी के फोन करने पर ही डॉक्टर गुलाटी जी हम आए, सॉरी थी एक डॉक्टर मंजू शर्मा जो थी सॉरी थी, झूठ बोल रही है, ठीक है नाम बताओ। मेरा नाम सर मोहम्मद रईस कादरी था।